दिल्ली में छठ पूजा को लेकर आप और बीजेपी आमने सामने हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। शेख सराय मैदान में छठ घाट की परमिशन दिखाते हुए बांसुरी स्वराज ने कहा कि छठ घाट तो बन रहा है, फिर आम आदमी पार्टी के नेता किस बात का झूठा आरोप लगा रहे हैं कि छठ घाट नहीं बनने दिया जा रहा है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि सौरभ भारद्वाज अपने गुंडों के साथ यहां आए और उन्होंने जेसीबी को रोका। वहीं दूसरी तरफ मैदान के बाहर सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि जमीन पर गांव के लोग 8 साल से छठ घाट बनाते आए हैं, लेकिन अब बीजेपी के कुछ लोगों ने इस घाट को हाईजेक कर लिया है। सौरभ भारद्वाज ने बांसुरी स्वराज को गीता की कसम खाने के लिए कहते हुए बोला कि वो आकर ये कह दें कि 8 साल से इस जगह पर विश्वजीत छठ कमेटी छठ घाट नहीं बनवाती। उधर संजय सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर गांव वालों का छठ घाट नहीं बनने दिया गया तो सड़क पर ही छठ घाट बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी को महाकुंभ में शामिल होने का न्योता दिया। यूपी में महाकुंभ की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। अगले साल मकर संक्रांति के दिन पहले संध्या के साथ ही कुंभ की शुरुआत होगी। इस बार कुंभ में 10 करोड़ लोग पवित्र संगम में डुबकी लगाने आ सकते हैं। पीएम मोदी आज झारखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम गढ़वा और चाईबासा में जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे। गढ़वा में सुबह 11:30 बजे तो चाईबासा में दोपहर 3 बजे पीएम मोदी की रैली होगी। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वक्फ के बहाने राहुल गांधी देश में गृहयुद्ध कराना चाहते हैं और इसके लिए वो नए नए टूलकिट बना रहे हैं। गिरिराज सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि राहुल का गृहयुद्ध करने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वाराणसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बातें कहीं।